वेलकम टू चैनल इन फोकस स्टडी। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द आंसर्स की ऑफ FSTA 01 जो कि आज एग्जाम हुआ था 10-3 दिसंबर को, ठीक है। सो देखो, पहला क्वेश्चन था कि भारत में कागज के निर्माण की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो बहुत लोग चाइना सोचते, मैंने भी चाइना सोचा, बट चाइना ना होकर इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरब हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, अरब, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों सेम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन मैच कर लेना सिंपल। अल बरूनी के अनुसार भारत का महानतम योगदान गैस के प्रयोग में था, ठीक है। तो किसके प्रयोग में महानतम योगदान था, दशमलव, जल निकास प्रणाली, खगोल विज्ञान, ठीक है। सो इसका थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो रहा है, खगोल और सामाजिक में से कोई एक होगा, ठीक है, तो इसका आप थोड़ा देख लेना। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, भारत में राजस्व से जावर नामक स्थल पर पुरातत्व की खुदाई से पता चला कि भारतीय लोगों को डैस के शोधन का तरीका मालूम था, तो किस चीज़ के शोधन का तरीका मालूम था, जिंक का, जी इंग्लिश में जिंक बोलेंगे, हिंदी में जस्ता बोलते हैं, तो जस्ता का तरीका मालूम था। भारत में मुद्रण प्रौद्योगिकी की शुरुआत डैस द्वारा की गई, किसके द्वारा की गई थी भारत में मुद्रण प्रणाली की शुरुआत, तो स्पेनिश द्वारा की गई थी, स्पेन द्वारा की गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद अगला आता है फिफ्थ पॉइंट, भारत में जहाज उद्योग के निम्नलिखित में से किसके कारण इस उद्योग में भारी परिवर्तन हुए, तो यूरोपियों की वजह से हुए थे, ठीक है, यूरोपियों की वजह से ज़्यादा हुए थे, क्योंकि उनको हमारे यहाँ से जो चीज़ें थी एक्सपोर्ट करनी थी अपने यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में कौन सी अवधि मध्य युग मानी जाती है, कौन सी अवधि मध्य युग के रूप में मानी जाती है, तो 5th से 10th सेंचुरी मध्य युग के नाम से जानी जाती है। पवन चक्की और डैस प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ठीक है, पवन चक्की प्राप्त करने के लिए, हाँ तो इसका आई थिंक ये यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, टेक्सटाइल बोलते हैं इसको, कपड़ा इंडस्ट्री बोलते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का पता किसने लगाया था, ये क्वेश्चन ने लगा हर साल रिपीट होता है, ठीक है, तो इसका आंसर तो रटा हुआ होना चाहिए आपको, हार्वे ने लगाया था। पश्चिम में हुई सभी आविष्कारों में राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक रूप से किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा था, कागज, बारूद, दिक्सूचक और पनडुब्बी, ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है, गैस करिए आप क्या होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ना कॉन्फ्लिक्ट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं अगर वीडियो लाऊंगा दूसरी तो उसमें बता दूंगा, ठीक है, जो जो क्वेश्चन अभी नहीं बताए तो इसको हम थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं रिव्यू में, ठीक है, इसको बाद में रिव्यू करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में औद्योगिक क्रांति कब आई, ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति 1760 से 1830 के बीच में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक विकास को समझने के लिए निम्नलिखित में से वैज्ञानिक का योगदान रहा, किसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा, किसमें, जैविक क्रांति को समझने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन का योगदान ज़्यादा रहा था। और 13 क्वेश्चन है कि क्या है, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था, हु इन्वेंटेड क्रेस्कोग्राफ, तो JC Boss हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, JC Boss हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विज्ञान के अनुसरण के लिए अनिवार्य विशेषता है, आवास, समाज, अनुभव, प्रेक्षण और प्रयोग, ठीक है, तो ये भी ईजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा प्रेक्षण और प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, ये भी हो सकता है अनुभव भी हो सकता है, बट 90% चांस प्रेक्षण में प्रयोग के, ठीक है, तो अनुभव इसमें से देखना आप थोड़ा सा, अगर कोई इसमें गलती बताई हो तो आप कमेंट कर करके बता देना कि हाँ ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो मैं बताऊंगा अगर आपको, तो हड़प्पा देखो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है, मोहनजोदड़ो भी ऑब्वियस है, पंजाब में भी है, कालीबंगन, बहुत सारी जगह है, राखीगढ़ है पंजाब का हिस्सा, ठीक है, बाकी कश्मीर में भी है, कश्मीर में भी एक दो पार्ट है जहाँ से जो हमारा इंडस वैली का हिस्सा है, तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा अजीब सा है कि इसमें चारों दे रखे हैं, चारों हिस्सा है और इसमें पूछ रहा है कौन सा हिस्सा नहीं है, तो क्वेश्चन कुछ और होगा या हमें समझ में कुछ और आया होगा, ठीक है, तो आप एक बार देख लेना कि इसका क्या आप लगा के आए हो, ठीक है, किस हिसाब से। पृथ्वी में केंद्र में होती है और शेष सारे ग्रह उसके आसपास घूमते हैं, ये किसने दिया था, ठीक है, तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ये फर्स्ट वीडियो है, बाकी मैं सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो ऐसी करके पार्ट वाइज आपको आंसर बता दूंगा, अभी 20 क्वेश्चन बताएं, बाकी क्वेश्चन भी जल्दी मैं लाऊंगा, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे वीडियो लाऊं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।